असत्य पर सत्य की विजय राम ने रावण का क्या वध। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की सादकी थाना क्षेत्र के दसी पोखरा मैदान पर विजयादशमी के मौके पर प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आए थे, जिसमें प्रभु श्री राम और रावण के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जिसे देखकर भारी संख्या में जुटी भीड़ ने जमकर श्री राम के नारे लगाए। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। रामलीला कमेटी की तरफ से इसको भव्य तरीके से पेश किया जाता है। इसको देखने के लिए बड़े दूर दूर से ले आते हैं। वहीं प्रभु ने श्री राम आज विजयादशमी के मौके पर रावण का वध करके असत्य पर सत्य की जीत का जिसके बाद लोगों ने जमकर श्री राम को नाम लेकर मिलने का लुक लक्ष्मण, तुम बार बार युद्ध में ऐसे ही मूर्छित होते रहोगे। रास्ते को खाली कर दे। संसार में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं, मैं उदाहरण देता हूं। पहले
विजय हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने आज रावण से युद्ध किया, उसको पराजित किया और यहाँ पर उसका दहन भी किया। ये कौन सा ये रामलीला है? ये विजयादशमी का रामलीला है। ये दशहरा पोखरा है, यहाँ दशहरा का मेला लगता ही लगता है। हाथी और रावण का युद्ध, हाथी रावण पर चढ़ करके युद्ध करता है और मर्यादा पुरुषोत्तम अपने विमान से युद्ध करते हैं, वही युद्ध करते हुए आए और यहाँ उसका दहन। ये ऐतिहासिक परंपरा के हिसाब से कितने टाइम ये जलता है? ऐतिहासिक परंपरा के हिसाब से कितने बजे ये रावण जलता है? 6:05 के बाद इसको जल ही जाना है। अच्छा। उसी बीच में 6:05 पर जल गया। भक्तों में बड़ा उत्साह दिखा, बड़ी भीड़ दिखी और आज बड़ी इस साल सारे त्योहार शहर के बहुत भीड़ वाले रहे। अच्छा डेकोरेशन रहा, महंगाई का कोई असर नहीं रहा। बस क्यों भक्तों में उत्साह दिखा? हाँ, भक्तों में पूरी जनपद उम्र के लड़के आए हैं, उन सब का उत्साह था। जनपद राममयी हो गई, जनपद राममयी हो गई, जनपद राममयी हो गई। और जो योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, मिल के रहोगे तो नेक रहोगे, आज नेक होने का पूरा शहर ने उदाहरण पेश। तो सब लोग जुट गए? एकदम जुट गए। क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि हमेशा धर्म के साथ रहिए, सनातन के साथ रहिए। सनातन हजारों साल पुराना है, यहाँ अंग्रेज आए, बाबर आए, मुगल आए, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया और ये सनातन जिंदा रहेगा। सनातन के साथ रहने का ही संदेश आज मैं दे रहा हूँ। भरत गुलाब में क्या कुछ नया है? भरत गुलाब में कुछ नया नहीं है, जो परंपरागत होता वही होगा, वही होगा। हर साल की तरह आज धूमधाम से मनाया गया है, बहुत ही गौरवान्वित है लोग, शहर के लोग, सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। पूरे देश में एक ही चीज चल रही है, सनातन मजबूत हो। तो ये मतलब रामलीला में भी राजनीति की बात हो रही है, सनातन हिंदू बटना कटना? सनातन से राजनीति का क्या लेना देना? हाँ। ये हम रामलीला के लिए सनातन धर्म से ही जुटा हुआ है, ये अलग नहीं है, ये राजनीति से कोई लेना देना। तो आज राम रावण की लड़ाई हुई और रावण का राम रावण की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, समाप्त हुए, खत्म हो गए रावण। अपने अपने घर लोग जाएंगे, मेला का समय समाप्त हो रहा है, अपने अपने घर जाएंगे परिवार के साथ। फिर सुबह नया चीज होगा, भरत मिलाप का टाइम आएगा। कैसा रहा आज यहाँ रामलीला? बहुत बढ़िया रहा आज, हर जात की बच्चियाँ बहुत सारी भीड़ रही, इतनी सारी जनता उमड़ पड़ी है, बच्चे आजकल की आज बच्चियाँ भी बहुत आई हुई हैं, जहाँ बहुत दहशत फैला हुआ था, सारी बच्चियाँ आज आई हुई हैं, खुल के आई हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आराम से मेला देख कर। कैसा दहशत फैला हुआ था? किस बात का दहशत फैला हुआ था? दहशत हमेशा दंगा होता था, अब दंगा का नाम निशान खत्म हो गया, और बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं थी, अब बेटियाँ बहुत अच्छा रहा आज जो है। विजयदशमी का जो पर्व रहा, जो है असत्य पे सत्य के विजय के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है, तो इसमें जो है रावण दहन किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको खत्म करके हम अच्छे अपनी अच्छाइयों को जो है करें। तो बहुत अच्छा प्रशासन की चापन व्यवस्था रही और काफ़ी अच्छा जो है। कहाँ ये रामलीला होता है? ये दशहरा पोखरा भी बहुत पुराना होता है, तो तो अब दशहरा की समाप्ति। हाँ, अब दशहरा और समाप्ति कल जो है भरत मिलाप सही दूसरा दीक्षित खड़े हुए हैं। भरत मिलाप भी है, भरत मिलाप को लेकर मूर्ति विसर्जन, मूर्ति विसर्जन भरत मिलाप कार्यक्रम कल शाम को होगा, उसको लेके भी हम लोग पूरा तैयारी पहले कर चुके हैं और भी कल के लिए जो भी करना है सबको करेंगे। सर मूर्ति विसर्जन को लेकर क्या तैयारी है? सर मूर्ति विसर्जन को लेकर जो नदी है नदी पे करना नहीं चाहिए,